बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जमात बट्टी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहा था। सिडनी कैंपस है, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, तो मैं उधर जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारी ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन में जाके हमने अपनी क्लासेस बुक करनी है पहले, सही हो गया। तो आज क्लासेस बुक करने के लिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा है ना, बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। तो जो मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैं उठाऊँ, उठ के तो अभी आया हूँ मैं, मतलब इधर आके मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं उसके यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये स्टेशन को ही दो तीन स्टेशन रह गए, उसके बाद जो है ना टाउन हॉल स्टेशन है उधर जाना है, उसके बाद 3 या 4 मिनट के आगे से वॉक है तो हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, सही हो गया। कैंट स्ट्रीट में यूनिवर्सिटी है सिडनी में, तो उस वजह से अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ ट्रेन में। पैसेंजर भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं मतलब ज़्यादा लाउडली नहीं बोल सकता, तो ठीक है। तो अभी जा रहे हैं उधर जाके, तो बाकी स्नैरियो आपको बताते हैं कि भाई, क्योंकि मैं अभी खुद पहली दफ़ा जो है ना सुबह टाइम जा रहा हूँ, क्योंकि हम लास्ट दफ़ा जब गए थे दोस्तों के साथ में गया था, तो न्यू ईयर की ईद पे गए थे, सही है। तो रात को गया था, ना कोई ज़्यादा पता चला था, तो अभी जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं क्या आता है, तो एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा रहता तो ठीक है, इसी पर जाएंगे, ना रहा तो किसी और देखेंगे कि बाइक पे, कार पे, किस पे भी, जिस पे भी जाना हो, यहाँ देख सकते हैं। पर मुझे तो लग रहा है अच्छा ही रहेगा इसका, क्योंकि ठीक है, अच्छा अभी तक तो अच्छा जा रहा है। तो पापा इन्हें नहीं पीछे बैठे इधर, कोई दुनियादारी तो नहीं पता है कि हिसाब है की रही। तो भाई अभी उधर जाता हूँ, उधर जा के तो आपको मैं बताता हूँ क्या सीन है। अभी आप ये पीछे देख सकते हैं, ये ट्रेन है, क्योंकि मैं दूसरी साइड के आपको नहीं दिखा सकता है, पैसेंजर वगैरह बैठे हैं, थोड़ा वो जो ना बुरा फील करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट उधर जाके हम आपको बताते हैं क्या हिसाब है। अभी मैं पहुंच गया हूँ टाउन हॉल स्टेशन पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप ये टाउन हॉल स्टेशन है। तो अभी जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटी किस तरफ है, ठीक हो गया, उसे चेक करते हैं। अभी जॉर्ज स्ट्रीट की एग्जिट सेकेंड है जॉर्ज स्ट्रीट में, सही है, हमने जाना है जॉर्ज स्ट्रीट में, ये मैंने चेक किया था। अभी ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये हैं इनकी जो है ना, इधर से हमने एंटर होना है, सही है। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है, कार्ड लगाएंगे, उसके बाद ये जो है ना इसको ये देखो ओपन हो गया। अभी जॉर्ज स्ट्रीट में जाएंगे, उससे आगे जो स्ट्रीट है अब मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, चेक करेंगे जब जाएंगे, देखेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, सही हो गया। अब मैं कार्ड रख लूँ तो फिर चलते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के सामने, सही हो गया। ये हमारी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, 400 कैंट स्ट्रीट में है, सिडनी कैंपस है ये मेरा। तो उस वजह से अभी हम आए हैं, ठीक है ना, तो जाता हूँ मैं अंदर। भाई इनकी एंट्रेंस ऐसे ही है, जाना है जाके तो उनका, इन्होंने पूछ लेना भाई हाँ जी की लेना है, सही हो गया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उधर जाके बंदा जाते जाते पहले पार्किंग होती है ना, जाते जाते अंदर एंटर होते हैं, तो बंदा दो तीन चीज़ें सोच लेता है, यार ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इधर जाते ही मुझे यही सोच रहा हूँ मैं कि मैं एंटर होऊंगा, वो साथ ही मुझे पूछेंगे हाँ जी ये लेना है, दसो उन्होंने भी दस, ठीक है जी हमारी ओरिएंटेशन है, ठीक है अभी ओरिएंटेशन पर हम आए हुए हैं, वो बता देना। अब बंदा यार गया तो ऐसे ही लग रहा है ऐसे बिल्डिंग है, सही है ना, ये देखें तो बस बिल्डिंग ही है, ठीक है। थोड़ी सी यार पार्किंग होनी चाहिए पहले, बंदा थोड़ा वॉक करके जाए फिर आगे यूनिवर्सिटी, यार बंदा कोई फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं बंदे को जो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। बंदा कहता है यार हाँ यार पढ़ना चाहिए इधर आके सही से, ये वो कोई, सही है ना, समझ रहे हो, ठीक हो गया। तो इधर तो बस जाना है, तो उधर ना इंडिया के बैठे हुए हैं भाई रिसेप्शन पे, उनको जाके बोलना है हाँ जी ओरिएंटेशन है, किधर जाना है हमने, बच्चे भी उन्होंने पता नहीं किधर छुपा के रखे हैं, मुझे लग रहा है नीचे जो है ना
किसी तहखाने में छुपा कर रखा जिधर से जाना है, क्योंकि इधर मैंने अभी देखा है स्टेयर्स है नीचे को जा रही हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता एंट्रेंस किधर है, क्योंकि रिसेप्शन के बाद साथ ही लिफ्ट्स हैं, पता नहीं अब ऊपर जाना है किधर जाना है अब मुझे पता नहीं है। पर ये है कि फर्स्ट टाइम अभी देखते हैं, चेक करते हैं क्या हिसाब है, फिर आपको बताते हैं। ठीक हो गया, अभी आपको लग रहा होगा मैं इधर उधर ही देख रहा हूँ, सही है ना? तो अभी इधर ही देखते हैं सामने, सही हो गया, चलते हैं अभी अंदर जाते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि भाई ओरिएंटेशन है किधर जाना है क्या हिसाब है, दैन फिर आपको बताते हैं, साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक हो गया ना? क्योंकि जैसे मैं नहीं हूँ अभी तो मुझे भी थोड़ा होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो यार ये जो सही हो गया, आवाज़ आ रही थी इसकी वजह से नहीं था बोल रहा मैं। तो अभी एंटर होते हैं अंदर, जाकर चेक करते हैं क्या है, क्योंकि अभी मेरे लिए भी न्यू है। तो जो न्यू बच्चे आते हैं, अगर मैं पहली दफ़ा इसको एक्सपीरियंस करूँगा देन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि अगला बंदा जो कभी आता है जो इस यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा बंदे को ना थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई कैसे जाना है क्या हिसाब है क्या नहीं। ठीक है ना? तो मैं ओरिएंटेशन का भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, मैंने ऑनलाइन कल चेक किया है कि अगर ओरिएंटेशन ऑनलाइन हो जाती है, सही है ना, मैं चेक कर रहा था, कुछ चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी थी कल ही, सही है ना, ऑनलाइन ही कर दी थी घर में, तो ये भी हो सकती थी क्लासेस बुक उसी टाइम हो सकती थी, पर मुझे थोड़ा सा ना आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं क्या हिसाब है। तो अभी जाता हूँ, जाके देखता हूँ, तो इस वजह से ना फिर मैं आगे से बताऊँगा आपको। तो अगला कोई अगर बच्चे आते हैं इधर तो उनको थोड़ी सी ना गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, अंदर चलते हैं फिर बताते हैं। तो भाई आप ये देख सकते हैं, ठीक है, लेवल वन पे आईटी की जो है ना वो है, अभी डोर्स ओपन हो गए हैं, देखते हैं क्या हिसाब है, एंटर होते हैं तो आपको बताते हैं। भाई आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी है, सही है ना, बिल्डिंग टाइप ही होती है इधर तो, मुझे लग रहा है इधर फुल साइलेंस है, अभी मुझे पता भी नहीं क्या हिसाब है क्या नहीं। तो ये कुछ बुक्स हैं और ये सिटिंग एरिया है, देखते हैं सिम्स भी पड़ी हुई हैं कुछ ना ये देख सकते हैं। तो अभी बैठते हैं सिटिंग एरिया में, कुछ देर चेक करते हैं। भाई नीचे जो है ना वो रिसेप्शन के ऊपर जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला है कि आप मतलब कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, मैंने कहा आईटी का हूँ। उन्होंने बोला आपने कोई ईमेल रिसीव की है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैंने कहा जी बिल्कुल की है, तो इस वजह से आए हैं, ऐसे क्यों आना हमने। ठीक हो गया, तो अभी मैं आया, उन्होंने बोला कि लेवल वन पर जो है ना आईटी का डिपार्टमेंट है, तो आईटी का डिपार्टमेंट मैं लेवल वन पर आ गया हूँ। इधर अभी मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा, ठीक हो गया, अब ये नहीं मुझे पता कि वो भी क्लासेस में आई हैं क्या हिसाब है। तो आई थिंक समवन इज़ कमिंग, तो देखते हैं, ओके उनसे पूछते हैं। ओके हाय, अभी मैं उधर पहुंचा हूँ, तो इन्होंने बोला है कि मैंने उनसे पूछा है भाई हाँ जी ओरिएंटेशन है आज हमारी, तो एनरोलमेंट करवानी मैंने, तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये जो उनसी एंट्रेंस थी, इधर एंट्रेंस है, ये लिखा हुआ है सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सर्विस स्टॉप स्पॉट, वो जो है ना अंदर वो लिखा हुआ है, उन्होंने टर्म वन के जो स्टूडेंट हैं 2023 के उनके इनरोलमेंट है, उनको वेलकम किया जा रहा है, उसके साथ उन्होंने ना स्टूडेंट कार्ड रखे हुए हैं कि जो है ना अपनी अपनी बारी का कार्ड आपने अपने पास रखना है, वो भी बच्चे जो है ना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इनरोलमेंट तो सबकी हो जाएगी, पर जिन्होंने अभी आके फर्स्ट मतलब अपनी क्लासेज जो है ना वो बुक करनी है तो बता दें। तो उनको मैंने बोला कि मैंने इनरोलमेंट करवानी है, तो वो कह रहे हैं कि हो जाती है इनरोलमेंट आपकी इनरोलमेंट, तो आप बैठें तो थोड़ी देर वेट करें फिर होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अभी मैं इधर बैठा हूँ, अभी वेट करते हैं, तो इधर आपसे बातें करते हैं सब लोगों से। तो और भाई मैंने तो यही सोचा था, मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान वाली यूनिवर्सिटी का हिसाब है, जाना है कि जाके ना टाइम पर उधर पहुँचना है, तो इधर आके पता चला नहीं जी उस टाइम वाला उस वाला हिसाब नहीं है कि टाइम पे नहीं पहुंचना, इस टाइम आप मर्ज़ी आ जाएं कोई मसला नहीं है इधर। ठीक हो गया, मैंने ना थोड़ा मैं सोच क्या हुआ था कि मैंने कहा पाकिस्तान वाले नादरा वाला ना सीन होना, नादरा वाला आना ही इधर लाइन लगी होगी बच्चों की ये वो, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, सही है ना। तो उन्होंने बोला कि आपको बस थोड़ी देर वेट करें आप, तो देन आपका ना करते हैं स्टार्ट। ओके, तो थोड़ी कंजेस्टेड है बट ये है कि शायद इधर ऐसी हो क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो जगह के लिहाज से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वाली जो है ना फिर वो बेहतर है,
पढ़ाई के लिहाज से ये वाली ठीक हो गया। तो देखते हैं, करते हैं बात आपसे। ओके।